ओके सो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सब लोग ठीक हो, फिट हो, फाइन हो. आज इस चैप्टर का हम सेकंड लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं. और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इनमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सिमिलर काइंड के लगते हैं. ट्रांसडक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ऐसे मल्टीपल वर्ड्स हैं. हम इन दोनों को अच्छे से अगर समझ पाते हैं तो बाकी टॉपिक्स को, बाकी कीवर्ड्स को क्लैरिटी दिमाग में एक अच्छी आ जाएगी कि हाँ, इससे क्या बेसिक डिफरेंस का है ना. इनको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, कंसेप्चुअली समझना है ना, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हाँ, एग्जैक्टली इसमें हम क्यों फंसते हैं हमेशा. हम ताकि फ्यूचर में ना फंसे, मेन पर्पज क्या है, ताकि हम फ्यूचर में इसमें फंसे ही ना. कैसा हम कर सकते हैं, चीजें बड़ी आसान हैं, आपको बस थोड़ा सा सिंपल तरीके से इसको सिस्टमैटिक समझना. शुरू करते हैं. बेसिक चीजें हैं, आसान हैं, और आई होप सब वॉइस वगैरह क्लियर है ही है, उसमें कोई डाउट है नहीं. मुझे मेरी वीडियो दिख ही रही है. मेरा नाम अनुराग है, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या कि आपको कई बार हम नोट्स भेजते हैं, कई बार छोटी छोटी चीजें दे रहे होते हैं. कहाँ पर दें, आपसे हमारा कनेक्शन कैसे हो, ये टेलीग्राम चल इसको जरूर ज्वाइन करो. अनअकैडमी आपको सिर्फ यूट्यूब नहीं, आपको साथ साथ में हमारा खुद का ऐप है, उस ऐप का नाम है अनअकैडमी लर्नर्स ऐप, वहां पर भी पढ़ाती है. तो जैसे रोजाना मैं सुबह 10 बजे क्लास लेता हूँ. कल तो वो गणेश चतुर्थी है, परसों मेरी क्लास होगी. बेस्ट थिंग इज क्या, आप इन क्लासेस में जरूर आया करो. पूरी तरह से क्लासेस फ्री होती हैं, पहली बार फ्री क्लासेस, ठीक है. हम इनको स्पेशल क्लासेस कहते हैं. अकेडमी का लर्नर से आप डाउनलोड करो, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करो, अपनी क्लास वगैरह जो क्योंकि इस क्लास में, ताकि उसी तरह का रिलेवेंट कंटेंट तुम्हें दिखे, और फिर क्लास में आ जाओ. मुझे सर्च कर लो, मुझे फॉलो करो. एटी सर कोड यूज करना है सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्रिप्शन. और साथ साथ में आप जब पहली बार आ रहे हो तब भी आपसे कोड मांगता है, फ्री क्लासेस हैं बट आपसे कोड मांगता है, तो एटी सर कोड यूज कर लें. और अगर पूरा सिलेबस करना है अन अकेडमी के साथ में, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारों की चीजें चाहिए, तो आप प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. या प्लस में क्या है, लाइव क्लासेस हैं, वीकली टेस्ट हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है. और आइकॉनिक में आपके पास पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, ऐसी मल्टीपल चीजें आप लोगों को बच्चों यहाँ मिल जाती हैं. नए बैचेस आ रहे हैं, 1 सितंबर से बैच आ रहे हैं, बेहतरीन टीचर्स हैं सारे. 2023 की तैयारी कर रहे हो तो उसको जरूर ज्वाइन करो, अभी भी मौका है. एक आइडिया लग गया होगा ना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं इस बार नीट में, बस तो तैयारी शुरू करो, ठीक है. एक तो ये, अब 20% ऑफ चल रहा है और ये आज लास्ट डेट है बच्चों, आज लास्ट डेट है 20% ऑफ. तो 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 31,600 रुपए में मिल रहा है, लगभग 8,000 रुपए सस्ता. उसी तरह से 9 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 55,000 मिल रहा है, लगभग 13-14 हज़ार रुपए सस्ता. ये जो ऑफर आपको मिला है 20% ऑफ का, इसको अवेल करो. और ये मिलता कब है, जब आप सब्सक्रिप्शन कोड डालते हो एटी सर, तब आपको ये काम, ये फायदा मिल रहा है. उसका बेसिक बिल्कुल बेहतरीन फायदा उठाओ. कॉम्बो ऑफर भी आज लास्ट डेट है, पहले बता दो, कल तो 31 वैसे भी हो जाएगा. तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको अब 36,000 में पड़ेगा, जिसमें सीबीएसई भी इंक्लूडेड होगी, सब्जेक्टिव जिसमें तैयारी कराते हैं. और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 60,000 में अवेलेबल है, जस्ट मेरे पीछे है. आपको चीजें दिख रही हैं, समझ में आ रही है, काफी अच्छे ऑफ है. आप यूँ समझ लो कि 49% तक ऑफ मिल रहा है. आप सिर्फ 80 सर कोड डालो और आपको फायदे ही फायदे. तैयारी शुरू कर रहे हो तो ये करो, तो नीट की तैयारी और सीबीएसई दोनों की तैयारी हो जाएगी, प्रॉपर कोई मेंटोर मिल जाएगा. और कितनों में, सिर्फ 60,000 रुपये. मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन ऑफर कुछ और है. यहीं कहीं भी ऑफलाइन में जाओगे तो वो 1-2 लाख रुपए का सिस्टम बन जाता है. यहाँ पर घर पर हो, सेफ हो, अपने घर का खाना खा रहे हो, इस चीज को तुम अभी शायद ना वैल्यू कर पाओ, बड़ा फर्क पड़ता है. हाँ, ऑफलाइन में पढ़ना है, तुम लखनऊ के पास में हो या कोटा के पास में हो, पटना में और नोएडा में भी हमारा ऑफिस खुला है, बस अभी क्लासेस शुरू होने वाली है. तो
ये ऑलरेडी चल रही है, तुम यहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो नीट और IIT की ऑफलाइन के थ्रू। तो ये भी एक अच्छा ऑफर है, ATSR कोड लगाकर यहाँ भी सब्सक्रिप्शन जब भी लोगे तो तुमको वही प्रॉपर ऑप्शन प्राप्त है ना। ये चीजें अपने उसमें चले जाना और सिर्फ डिस्टेंस लर्निंग करनी, जो थियरी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। 32 टेस्ट हैं, 32 टेस्ट हैं, 12 प्रिंटेड मटेरियल है, वीडियो सॉल्यूशंस हैं सिर्फ ₹10,000 में, इसमें भी ऑफर। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। आज हमें स्पेशली मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन जो है रेप्लिकेशन समझा दिया, आज थोड़ी ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड बात करनी है। यहाँ से अगर तुम्हें याद हो हमने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट से स्टार्ट किया, सारे बच्चे आ गए है ना। ठीक, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक बेसिक से चीज़ें बताऊंगा हैं, सारी बातें हमेशा की तरह ही। एक RNA है, एक RNA है, तो RNA ये मान पूरा RNA याद रखना, RNA का एक साइड 5' होता है, एक साइड याद रखना, और यही सीधा RNA। तो क्या अच्छा ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? DNA से RNA बनना है ना, DNA से RNA बनना। तो इस बात को याद रखना, जो DNA है पर्टिकुलरली उसके जिस जगह पर RNA पॉलीमरेज जुड़ेगा, मेरी बात को समझेंगे, उस जगह को बोलते हैं प्रोमोटर साइट। बात को समझना, बड़ा लॉजिकल फंडा है। अच्छा, ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है इसी का RNA बनता है, नीचे पे पॉलीमरेज जुड़ता है, ऊपर पर RNA बनता है, इसीलिए दो स्ट्रैंड के फायदे मैंने आपको कल समझाया भी था अगर याद। तो प्रोमोटर साइट का मतलब क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट, RNA पॉलीमरेज बाइंड होता है, और ये 5' है, ये 3' है, DNA का ऊपर वाला 3' है और ये 5'। ऊपर वाले का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा RNA, तभी तो वो 5 हुआ और 3 हुआ, उल्टा होता है, और नीचे 5' पर ये प्रमोटर जुड़ जाए, और बेस्ड ऑन द ऊपर वाला सीक्वेंस कि ऊपर क्या है, ए है, टी है, जी है, उसके बेस पर RNA बना रहा होगा है ना, कि टी ए मतलब ये ना यू है ना, यहाँ पर यू ए जी सी सी, क्योंकि इसमें थायमिन तो होता नहीं, ए यू जी सी सी लाइक दिस। तो ये हमेशा 5' एंड पर मिलेगा आपको, ये हमेशा चीजें। स्ट्रक्चरल जीन क्या है? जितने पार्ट का, ये देखो पूरा पार्ट, जितने पार्ट का RNA बनता है उस पर्टिकुलर पार्ट को हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, और लास्ट में जहां से ये पॉलीमरेज टूटकर रिलीज हो जाता है और RNA भी निकल जाता है, जहां पर पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या? टर्मिनेटर। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको यहां याद रखनी होंगी, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर, मान लें इतनी बात। एक कीवर्ड आपसे कई बार पूछा जाता है, कीवर्ड क्या है पता है? जीन क्या है, सिस्ट्रॉन क्या है, क्या जीन क्या है और व्हाट सिस्ट्रॉन क्या है, कंसेप्ट को समझो। जो जीन है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चीजों को ट्रांसमिट करने में मदद कर रही है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बट सिस्ट्रॉन वो पर्टिकुलर DNA का सेगमेंट होता है जो प्रोटीन बना सके, जो पॉलीपेप्टाइड बना सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सिर्फ ट्रांसफर होना मैटर नहीं करता कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में विच इज ट्रांसफर हो, मैटर ये भी करता है कि वो पर्टिकुलर काम करे। तो यहां काम क्या चाहिए? अगर वो प्रोटीन बनाने लायक है तो उसी जीन को सिस्ट्रॉन बोलेंगे, ये बात याद रखें। तो बेसिक डिफरेंस है, जीन के अंदर सिस्ट्रॉन होता है या वैसे भी याद कर सकते, सिस्ट्रॉन जीन से छोटा होता है, छोटी सी बात है, छोटा सा डिफरेंस है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब ये सिस्ट्रॉन दो तरह के, सिस्ट्रॉन दो तरह, एक का नाम है मोनोसिस्ट्रॉनिक और एक का नाम है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। वेरी गुड, मतलब ध्यान से सुनो, मैं एक हाईलाइट से तुम हाईलाइटर से तुमको चीज बनाकर दिखा, ध्यान से सुनो।
मैंने एक यहां पर पर्टिकुलर आरएनए बनाया, बट क्या ये कंप्लीट आरएनए प्रोटीन बनाएगा? तो आंसर इज नो। कुछ सेगमेंट उस आरएनए में कुछ भी कोड नहीं करेंगे। एक दूसरा ऑप्शन है प्रोकैरियोट्स में, उसमें सारा का सारा जीन प्रोटीन बनाएगा, ये कल को प्रोटीन बनाएगा, ट्रांसलेशन बोलते हैं उसे, और ये इसको बोलेंगे एंट्रॉन, है ना? इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एंट्रॉन स्पेशली बोल रहे हैं आप, छोटी छोटी चीजें हैं, कंसेप्चुअली समझो तो मजा आएगा। एक सेकेंड, सर लिखने वाला सिस्टम बना रहे तुम्हारे लिए। बेसिक फंडा क्या है आप, ये क्या है, और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे क्या? एक्सॉन। इसको क्या बोला बच्चों हमने? एक्सॉन। छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी है और इंपॉर्टेंट। तो अगर किसी भी आरएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, जैसे का दूसरा नाम क्या है? स्प्लिट जीन। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा अमीनो एसिड बनाएगा, फिर टूट जाएगा, तो ये बनाएगा। हमें क्या चाहिए? ढेर सारे अमीनो एसिड का कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस, तब जाकर वो प्रोटीन बनाता है। पता है तुम्हें? नहीं पता। अब एक बना रहा है, दूसरा नहीं बना रहा, तीसरा बना रहा है, चौथा नहीं बना रहा, फिर चार बना रहे हैं, दो नहीं बना रहे। अब हमें क्या चाहिए फिर? किसी तरह से ये इंट्रॉन यहां से रिमूव कर दिया जाए। समझ गए? आपको एक बार फंडा तो समझ में आ गया। तो आपको ये मोनोसिस्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? जितने भी क्या जितने भी यूकेरियोट्स हैं बच्चों, उसमें आपको मोनोसिस्ट्रॉन मिलेगा। और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, इनके पास बहुत एनर्जी तो नहीं होती कि इसको तोड़े फिर नया बनाए। तो सीधी सीधे से चीजें हैं, देर आर नो स्प्लिट जीन ओवर हियर। यहां पर कोई स्प्लिट जीन होती ही नहीं, सारे के सारे है ना प्रोकैरियोट्स में मिलते। बातें समझ पा रहे? दिख रहे हैं मोनोसिस्ट्रॉन में एक्सॉन एंट्रॉन, एक्सॉन एंट्रॉन, छोटी छोटी चीजें। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं, यहां पर ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। जीन वन, जीन टू, जीन थ्री, ठीक है, डन। ये फंडा आपको समझ में। टेक्निकली ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है? ट्रांसक्रिप्शन क्या था दोबारा बता दो। डीएनए से आरएनए बना, डीएनए से आरएनए बनाना इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन। बहुत छोटी सी चीज है जो आपको यहां पर समझना। डीएनए से आरएनए बनाना इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो शुरू होना, शुरुआत करना, जुड़ना, इनिशिएशन। इलांगेट मतलब प्रॉपर अब आरएनए बन रहा है, और रुक जाना इज नोन एज टर्मिनेशन। समझेंगे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, देयर आर थ्री स्टेप्स। इनिशिएशन में क्या होता है? जो प्रमोटर साइट था वहां पर ये जो पॉलीमरेज है, समझ, ये जो पॉलीमरेज है ये जाकर जुड़ जाता है ना, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को खोल देता है, अनवाइंडिंग का मतलब खोल देता है। अब उस पॉलीमरेज में एक सिग्मा फैक्टर होता है, वो जाकर उसके साथ में जुड़ जाता है। जहां से आरएनए बनना स्टार्ट होना है वहां से कौन जुड़ता है? सिग्मा फैक्टर, ठीक। इलोंगेशन की बात करें तो, दोबारा इलोंगेशन की बात करें तो क्या हो? जो भी डीएनए है, मान लो डीएनए का सीक्वेंस ऊपर ए डी जी सी सी है, तो सब कॉम्प्लीमेंट्री आकर जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? क्योंकि ये है, यहां जुड़ेगा यूटीपी, यहां क्या जुड़ेगा? एटीपी। तो सब कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था कि आरएनए है, यहाँ डीऑक्सी नहीं जुड़ता, सिंपल एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट जुड़ता है, ठीक है, ये भी याद रखना है तुम। और टर्मिनेशन में हमेशा जो रो फैक्टर होते हैं, है ना, वो उसकी वजह से यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ब्रेक डाउन हो गया, कहाँ से? डीएनए से डिटैच हो गया, तो आरएनए बनकर निकल जाता है। ये देखो, ये अलग से आरएनए निकल गया और आरएनए पॉलीमरेज निकल गया और डीएनए दोबारा से आपस में जुड़ गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज टर्मिनेशन, जहां पर आरएनए बनना बंद हो गया। ये बेसिक चीजें हैं, आपको समझनी, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट एक प्रॉब्लम है, मैंने दोबारा बता दूं, एक प्रॉब्लम है। आरएनए भाई साहब बंद तो गया, आरएनए बंद, कोई दिक्कत नहीं,
बट यूकेरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो आरएनए होते हैं उसमें बीच बीच में इंट्रॉन्स होते हैं, जो आरएनए है उसके बीच बीच में क्या है बच्चों, इंट्रॉन्स, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम। दिस आरएनए इज नोन एज HNRNA, दिस आरएनए इज नोन एज व्हाट बच्चों, HNRNA, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कंसेप्चुअली समझना, तो ही मजा आएगा, कंसेप्चुअली समझना तभी मजा आएगा, वरना तो कंफ्यूजन बनी रहेगी। ठीक है, छोटी छोटी चीजें, तो ये जो 5 to 3 प्राइम की कहानियां यहां पर चल रही हैं, इसमें होगा क्या, हमें यूकेरियोट्स में एडिशनल एक प्रोसेस भी समझना होगा, हम उसको स्प्लाइसिंग या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें इस इंट्रॉन को हटाना हो, ठीक, और जो ये इंट्रॉन के बाद बचे एक्सॉन, ये जो एक्सॉन बचे, ये एक्सॉन मतलब सॉरी इसका हाइलाइटर चेंज कर लें, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, ऐसे बच गए बीच बीच वाले तो हटा दिए, इनको आपस में फिर जोड़ना भी होगा। डीएनए लाइगेज होता है, उसमें लाइगेज वाला चीजें होती है ना, कई ऐसी चीजें हैं वो भी हम समझ, दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपसे पूछी जाती है, बैक्टीरिया के पास कोई कंपार्टमेंट तो होता नहीं, तो मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ तुम्हारे, और ये नीट में भी आपके डायरेक्ट आ सकता है, क्या हमारे पास न्यूक्लियस अलग से है, और न्यूक्लियस में क्या होता है सबको पता है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस बच्चों कहाँ होता है, कहाँ होता है, ये हमारे साइटोप्लाज्म। बट जो बैक्टीरिया है उसमें ऐसी चीजें नहीं है। बैक्टीरिया का क्या फंडा होता है समझो, बैक्टीरिया जो है बच्चों वो उसमें साइटोप्लाज्म ही सब कुछ है, न्यूक्लियस जैसा अलग सा सिस्टम नहीं, न्यूक्लियोइड है, कंपार्टमेंट नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड, एक साथ ही एक ही कंपार्टमेंट में होते, ठीक है, सेम कंपार्टमेंट, नो सेपरेट साइटोसोल और न्यूक्लियस, ऐसी चीजें नहीं है वहां पर। तो बेसिक फंडा आपको यहां पर याद है, ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, समझ दिख रहा है ना, कपल्ड वाला सिस्टम। बैक्टीरिया में देखो एक ही कंपार्टमेंट में ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भी, यहां पर अंदर सारा काम हो रहा है और बाहर प्रोटीन बन रहे हैं, ये नो कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बेसिक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा डायरेक्ट, और नीट का जब पेपर दे रहे होंगे तो ये सब चीजें तुम्हें याद आ रही होंगी, सबने बताया है ना। तो देखो मैंने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, क्या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, क्या वर्ड यूज किया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, वेरी 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 मोर, है ना, कंसेप्ट को समझो, ये कहानी समझ पा। नाउ थिंग इज इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना, हमें पता होना चाहिए देयर आर 3 काइंड ऑफ पॉलीमरेज जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं। अगर डीएनए पर पॉलीमरेज 1 अप्लाई होता है तो वो बनाएगा क्या, हमेशा ध्यान से समझना, आरआरएनए, क्या आरआरएनए, जो कि फर्दर डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनता है, वो आपको यहां से याद कर लेना है और याद भी करना है, नीट में आ सकता है, एनसीईआरटी में। अगर दूसरा एंजाइम पॉलीमरेज 2 यूज होता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन तो हमेशा बनाएगा HNRNA, जो मैंने आपको बता दिया, इट इज ऑल्सो नोन एज हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, वेरी। उसी तरह से अगर पॉलीमरेज 3 की बातें करेंगे तो ट्रांसक्राइब tRNA, 5sRNA और snRNA, बातें समझ में आ रही, तीनों ही चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तीनों ही चीजें आपको क्लैरिटी के साथ में समझ में, डन है बच्चों। 3 एंजाइम 3 अलग अलग काम कर, हमें डिफरेंट गाइड गए आरएनए चाहिए, आज हम समझेंगे भी काफी कुछ समझेंगे,
एचएनआरएमए को फर्दर प्रोसेसिंग किया जाता है, तीन स्टेप्स होते हैं। पहला काम क्या होता है पता तुम्हें? सुनो मेरी, सिंपल लैंग्वेज में बता। फर्स्ट स्टेप इज नोन एज कैपिंग। कैपिंग क्या होती है? फाइव प्राइम पोजीशन पर मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राई फॉस्फेट आकर ऐड कर देना, वो एक सिग्नल दे रहा है। फाइव प्राइम एंड पर मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राई फॉस्फेट मिथाइलिन जीटीपी बता देंगे आप शॉर्ट में। थ्री प्राइम एंड पर आप ए ए ए ए ए ए ऐसे करके पॉली ए टेल जोड़ देंगे, उसको बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। क्या? इज ऑल्सो नोन एज पॉली एडिनाइलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, पॉली एडिनाइलेशन प्रोड्यूस है ना। अच्छा, तीसरी बात, जब कैपिंग हो गई और टेलिंग हो गई, तीसरा काम क्या है? एक एंजाइम आता है, उसका नाम है स्प्लाइसोसोम। देखो यहां लिखा हुआ, इस एंजाइम के थ्रू अब वो आसानी से कैच कर लेगा वो एंजाइम, क्योंकि कैपिंग टेलिंग हो गई तो उसको पता चल गया किस जगह पर एक्सॉन है, किस जगह पर मुझे निकालने वाला इंट्रॉन है। जितने भी इंट्रॉन है उसको ऐसे पकड़कर सर्कुलर जैसे दिख रहा है उस हिंट के फॉर्म में, उसको रिमूव कर देगा, उसको निकाल देगा। यहां से निकाल दिया, अब उसको बाद में लाइगे से दोबारा जोड़ दिया। नाउ एचएनआरएनए बिकम एमआर, क्योंकि स्प्लाइसोसोम नाम के एंजाइम ने जितने भी इंट्रॉन थे सबको निकाल दिया, लेकिन उसको निकालने के लिए जरूरत थी कैपिंग और टेलिंग की, ताकि उससे आइडिया लें। ये बेसिक फंडा आपको यहां पर समझकर रखना होगा, काम तभी चलेगा। बातें समझ में आ रही हैं? कोई डाउट भी नहीं है तुम्हें? कोई डाउट भी नहीं, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर। हाँ जी, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर। डन है, मान ले, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। अब आपको जो बताने जा रहा हूं, इनमें से एक क्वेश्चन हर साल कंफर्म पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। ये बेसिक बातें बता दी आपको। कुछ डाटाज हैं, जैसे जॉर्ज गैमो ने पहली बार है ना बताया था कि 64 कोडॉन है, हरगोबिंद खुराना सर ने है ना पहली बार आरएनए को केमिकली सिंथेसाइज किया था, मार्शल निरनबर्ग ने सेल्फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है नीट में आपके, है ना। सेवरो ओकावा ने प्रॉपर पहली बार टेम्पलेट है ना डीएनए वगैरह को पॉलीपेप्टाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम यूज किया था आरएनए बनाने के लिए। ऐसी चीजें आपको यहां समझनी है, बेसिक फंडे हैं। 20 अमाइनो एसिड्स, और यहां पर जो चीज मैं तुमको दिखा रहा हूं ये तुम्हारे इतने काम का है, मैं पहले बता दूं इतने ज्यादा काम का है। क्यों? सुना है ध्यान से, काम का होने का बेसिक रीजन बताऊं क्या है? काम का होने का रीजन ये है बच्चों कि आपकी एनसीईआरटी में शॉर्ट फॉर्म दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ले लो। आपकी एनसीईआरटी में शॉर्ट फॉर्म दिया है ARG, और एग्जाम में पूछ लिया व्हाट विल बी दी कोडॉन्स ऑफ आर्जिनिन, तुम्हें पता ही नहीं। व्हाट इज दी कोडॉन्स फॉर थ्रियोनिन, और तुम्हें पता ही नहीं कि THR इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर, क्योंकि एनसीईआरटी में ये वाली टेबल दे रखी है। यस, लेकिन फुल फॉर्म तुम्हें पता। तो देर आर फोर काइंड ऑफ नाइट्रोजनस बेस, सबको पता है AUGC, उसके बेसिस पर कितनी पॉसिबिलिटीज तीन तीन के ग्रुप में हो सकती हैं, वो यहाँ समझाने की कोशिश की गई है, वो यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। इन फॉर द बेस्ट कि आप इस चीज को सिस्टमैटिक समझ पाए, है ना। बातें समझ पा रहे? कोई दुख है किसी को अभी तक तो मुझे बता देगा जरूर। ट्रिपलेट, अच्छा, साइलेंट फीचर ऑफ दिस जेनेटिक कोड, देखो भाई 61 तो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, बट ये जो तीन है ना कौन कौन से, ये दो और ये तीन, इनको हम स्टॉप कोड, ठीक है, इनको हम स्टॉप कोड। टोटल 64 है बट सिर्फ 61 ही कोड करते हैं, ये स्टॉप कोड। एयूजी का डुअल फंक्शन होगा, देखो ये एयूजी है, एयूजी बनाता है मेथियोनिन अमाइनो एसिड, सिर्फ
मेथिनिन बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा, बट ये एक स्टार्ट कोडॉन भी है क्या, इनिशिएटर कोडॉन। कोई भी प्रोटीन बनना शुरू होगा सबसे पहला कोडॉन हमेशा एयूजी ही होगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, बात समझ पा रहे हो, एयूजी ही होगा ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। बातें समझ में आ रही हैं, थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत टफ है नहीं, है ना। नेक्स्ट वन मेथिनिन फर्स्ट अमाइनो एसिड है यहाँ पर, और मतलब मेथिनिन हमेशा किसी भी प्रोटीन का फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा ही होगा, सामने फॉर्मल मेथिनिन प्रोकैरियोट्स में होते हैं, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक अमाइनो एसिड बहुत से कोडॉन से बन सकता है, दैट इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी। इसका मतलब क्या हुआ देखो, यहां पर मैं ल्यूसिन की बात करूं तो ल्यूसिन अमाइनो एसिड कितने कोडॉन से बन सकता है, अगर ये वाला आया तब भी ल्यूसिन बना देगा, ये कोडॉन अगर डीएनए आरएनए में है तो भी ल्यूसिन बनेगा, ये वाला हुआ तब भी ल्यूसिन बनेगा, ये वाला है तब भी ल्यूसिन बनेगा, ये वाला। तो हर अमाइनो एसिड एक से ज्यादा है ना कोडॉन से बन सकता है, एक्सेप्ट याद रखेंगे ये ट्रिप्टोफैन वाला सिस्टम और ये मेथियोनिन वाला सिस्टम है। तो दो तीन चीजें आपको यहां समझना है ना, एक्सेप्ट एयूजी मेथियोनिन के लिए और यूजीजी ट्रिप्टोफैन के लिए, दो एक्सेप्शन हैं पूछे जाते हैं। किसी भी में हमेशा तीन तीन का पेयर बनेगा, भाई पहले तीन फिर अगले तीन फिर अगले तीन, कोई बीच में रुकावट नहीं होगी, पंक्चुएशन नहीं होगा, कॉमा लेस है, यूनिवर्सल है, मतलब हमारे में भी बन रहा है तो गाय में भी एयूजी से मेथियोनिन बनेगा, भैंस में भी बनेगा, शेर में भी बनेगा, भालू में भी बनेगा। बातें समझ पा रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन से गाद बैक्टीरिया वगैरह के हैं उसको हम स्किप कर सकते हैं, बातें समझ पा रहे हैं। नॉन ओवरलैपिंग है, ये बिल्कुल नहीं कि एयूजी बना फिर जीजी बना, तो बोला भाई तुम मेथियोनिन बना लो और तुम जी कॉमन हो जाओ तुम कुछ और बनाओ, ऐसा नहीं होगा, एक जिसमें यूज हो गया तो अगला ही यूज होगा, ये और ये ओवरलैप नहीं करेंगे, समझ पा रहे हैं। वो स्पेसिफिक है, अनएम्बिगुअस है, मतलब एक कोडॉन अगर यूजी मेथियोनिन बनाता है तो ये हमेशा मेथियोनिन बनाएगा, स्पेसिफिक है, तो वन कोडॉन स्पेसिफिक फॉर वन अमाइनो एसिड, आपको ये याद रखना, बातें समझ पा रहे, अनएम्बिगुअस की बात। ठीक है, यूजी हैज डुअल फंक्शन, वो एक स्टार्टर कोडॉन भी है और मेथियोनिन भी बनाता है, बेसिक चीजें आपको पता। म्यूटेशन मैंने लास्ट चैप्टर में आपको प्रॉपर बता भी दिया था कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है ये। अब आरएनए के बारे में सर, देयर आर थ्री काइंड ऑफ आरएनए भी बता दिया था। अगर पॉलीमरेज वन से बनता है तो उसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, ये राइबोसोम्स बनाता है। अगर पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज टू से बनता है तो उसको एचएनआरएनए बोलते हैं, और वही कल को एमआरएनए बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी आपके उसमें है। और आरएनए पॉलीमरेज थ्री से बनता है तो इट फॉर्म टीआरएनए, इसके बारे में थोड़ी सी बात समझो, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, ऐसा ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एक बार हाथ से ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझ पाओगे कि हाँ दिक्कत कहाँ है। ये थ्री प्राइम है, ये फाइव प्राइम है, बेसिक फंडा है, थ्री प्राइम पर हमेशा अवेज होता है, और दिस एरिया इज नोन एज अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, यहां पर राइबोसोम जुड़ता है सेकेंड एरिया, इसको बोलते हैं वेरिएबल लूप, वेरिएबल लूप, इसका कोई साइज फिक्स नहीं होता लेकिन होता जरूर है, है ना, तो वेरिएबल लूप। यहां से एमआरएनए जुड़ता है तो इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप फोर्थ, एंड दिस इज एंजाइम बाइंडिंग लूप फिफ्थ। देर आर फाइव अलग अलग जो यहां पर लूप्स हैं टीआरएनए में, याद रखना है, बेसिक सी चीज है आपको याद रखना होगा, छोटी छोटी चीजें हैं सारी, इसमें कौन कौन से साइट्स हैं आपको पता चल गया। इंटरेस्टिंग चीज ये कि ये क्वेश्चन यहां से नीट से पूछा जाता, क्या पूछेंगे, 2D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज क्लोवर लीफ, आप गूगल करना, ऐसे से लीफ हो गूगल करना तुमको मिल जाएगा ऐसा कुछ, तो इट लुक्स लाइक क्लोवर लीफ। ठीक है, ठीक, बहुत सिंपल सी चीज है यार, बहुत सिंपल सी चीज है यार। एंड अगर मैं इसको 3D स्ट्रक्चर रखूं तो ये इसकी तरह दिखेगा, देखो इट लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल, बात समझ पा रहे, इट लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल,
वेरी इंपॉर्टेंट। बातें समझ पा रहे ना, बातें समझ पा रहे? छोटी छोटी चीजें हैं, कंसेप्चुअली समझोगे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ना आपको ट्रांसलेशन सिखाता हूं, बड़ा मजेदार है। थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए हो, थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए हो, और ये सीक्वेंस आपको याद कर लेना, ये सीक्वेंस याद कर लेना। सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी ट्रांसलेशन होता है जो टी आर एन ए है उसके ऊपर एटीपी की मदद से अमाइनो एसिड जाकर जुड़ जाता है। अमाइनो एसिड, एटीपी का टीआरएनए पर जुड़ना इज नोन एज ट्रांसलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नोन एज व्हाट? ट्रांसलेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसी तरह से ध्यान से क्या हुआ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये तो चलो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होता ही होता है। सबसे पहले एक एमआरएनए आएगा, कोई दिक्कत नहीं, और इसका साइज क्या होगा, इधर साइड में 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम, तभी उसको सीधा माना जाता है। दूसरा स्टेप, इस एमआरएनए पर स्मॉल सब यूनिट ऑफ आरएनए जुड़ेगा, राइबोसोम है ना, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आकर जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा, जहां पर स्टार्ट कोडॉन होगा, जहां पर भी ए यू जी होगा वहीं पर आकर। थर्ड स्टेप क्या है, याद रखना है स्टेप, स्मॉल सब यूनिट जुड़ा ही हुआ है, यहां पर टी आर एन ए उसी जगह पर आकर जुड़ जाएगा, जो चार्ज टी आर एन ए, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट, चार्ज टी आर एन ए यहां पर आकर जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ में क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल टी ये तो जुड़ गया, फिर लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आकर यहां पर, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, बस ये चार स्टेप आपको पते होने चाहिए। फिर याद रखना है, नीट में ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया है कि क्या आरएनए इधर जाता है या राइबोसोमल यूनिट इधर जाती है, तो आंसर इज राइबोसोम इधर मूव करते हैं, आरएनए वहीं रहता है। बस कितनी चीज आपको समझनी है, काम आपको बन जाए, इतनी बेसिक सी चीजें अगर आप समझ गए तो काम बन जाए। चार स्टेप याद रख लोगे बच्चों, और ये जो भी प्रोसेस चला इसको हम इनिशिएशन बोलते हैं टेक्निकली। सारे मिलाकर जैसे ये तो फर्स्ट था, सेकंड में ये सारे आते हैं इनिशिएशन, फिर होगा इलोंगेशन है ना, फिर चार्जिंग में इसका जुड़ा, फिर इलोंगेशन क्या होगा कि इसके आगे मूव करना, मतलब यहां पर जो जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता जाएगा। मान लो यहाँ सी ए यू है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड आएगा, जैसे यहाँ ए यू जी है ना, नीचे देखो ध्यान से, उसकी वजह से समझेंगे, उसकी वजह से देखो ऊपर मेथियोनिन आया क्योंकि यहां पर ए यू जी है, जो नीचे होगा वही अमाइनो एसिड टी आर एन ए लेकर आ रहा, बात समझ पा रहे, टी आर एन ए लेकर आ रहा। बेसिक बेसिक से पंडे हैं जो आपको यहाँ समझ में आने चाहिए। बातें समझ में आ रही, बेसिक से फंडे। नेक्स्ट, इस तरह से देखो, अब सुनो मेरी बात, यहां से डायग्राम से सुनो, पहला टीआरएनए आया है ना, ऐसे समझ लो लार्ज सब यूनिट है, इसमें तीन साइट होते हैं, तीन एरियाज होते हैं ई बी और ए, तो पहला यहां आता है ए साइड पर, इधर शिफ्ट हो जाता है और फिर वो इधर शिफ्ट हो जाता है, बट एमाइनो एसिड यहीं छोड़ता है, एमाइनो एसिड यहां से छोड़ता जाता है और टीआरएनए यहां से निकलता है। टीआरएनए का नाम ही है ट्रांसफर आरएनए, इट ट्रांसफर एमाइनो एसिड है ना, इट ट्रांसफर व्हाट, एमाइनो एसिड। लास्ट में अगर कहीं पर स्टॉप कोडॉन आ जाए, जैसे UGA, UAG, इनमें तीनों में से कोई भी कोडॉन अगर इसमें आ जाए, ठीक है, जैसे ये है स्टॉप कोडॉन, ये है स्टॉप कोडॉन,
ऑटोमेटिकली ये राइबोसोमल यूनिट टूट कर निकल जाए, ऑटोमेटिकली क्या ये यूनिट ऑटोमेटिकली टूट कर बाहर निकल जाएंगी। बिल्कुल बेसिक सा फंडा है, कंसेप्चुअली याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा, कंसेप्चुअली समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, स्टॉप कोडॉन आता है, रिलीज आकर निकलता है, जिसकी वजह से ये लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है ना, ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये सब निकल गया, तुम बातें समझ पा रहे? और ये जो पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रहा है, एक बड़ा सा एमआरएनए है, यहां पर भी प्रोसेस चल रहा है, थोड़ी दूर पे और भी एयूजी मिल गया, यहां से भी स्टार्ट हो गया, यहां से भी स्टार्ट हो गया, यहां से भी स्टार्ट। ये सारा एक ही एमआरएनए पर मल्टीपल ट्रांसलेशन चलता है राइबोसोम की मदद से। मल्टीपल राइबोसोम का प्रेजेंट होना इज नोन एज पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। क्या बोला, पॉली राइबोसोम या फिर पॉलीसोम, ये दोनों ही चीजें आपको समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं? छोटी छोटी बातें हैं, कंसेप्चुअली समझना है तो काम डन हो जाएगा, तो काम बढ़िया तरीके से डन हो जाएगा। तो कितनी कहानी समझ गए, कोई कंफ्यूजन वाली बात? अरे छोटी सी चीज समझो तुमसे, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे मुझे जरूर बताएं। तुम्हें बताना है कि कितने अमाइनो एसिड इस पर्टिकुलर आरएनए से बने, है ना? मैं ऐसे रैंडम कुछ लिखता हूं, 5 प्राइम यू सी सी ए यू जी ए सी 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 ए जी ए जी जी सी सी सी। चलो मुझे बताओ इसमें कितने टोटल अमाइनो एसिड बनेंगे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से, जल्दी से मुझे टोटल कितने अमाइनो एसिड्स बनेंगे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से मुझे बताओ। 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट नहीं 1 मिनट दे रहा हूं, बताओ टोटल कितने हैं यहां पर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 21 22 24, जल्दी बताओ टोटल हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स कैन बी फाउंड बाय दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, अगर तुम्हें दिख रहा है तो। राइट, दिमाग लगाओ, दिमाग तो लगा ही सकते हो। सिंपल क्वेश्चन बताना चाहोगे तो बड़ी खुशी होती है। बोलो, कुछ बच्चे कह रहे हैं 8 बनेंगे। ओके चलो मैं ट्राई करता हूँ तुम्हारे लिए, पहले देखते हैं कितने कोडॉन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब भाई कंसेप्ट को यूज करो, नीट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट सीक्वेंस ये नहीं था, बट यही क्वेश्चन इसी तरह का। आपको एक चीज मैंने बताया कि फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा बनाएगा जहां से एयूजी स्टार्ट होगा, यस और नो? दूसरा ये बना देगा, तीसरा ये बना देगा, चौथा ये बना देगा, बट यूएए एक स्टॉप कोडॉन है तो ये तो बनाएगा ही नहीं, प्लस इसके बाद वाला भी नहीं बनाएगा। तो टोटल यहां पर किसी बच्चे का अगर आंसर 4 होगा तो सिर्फ वही सही है, अदरवाइज सारे गलत हो। इसको लॉजिक कहते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, अदरवाइज एग्जाम में धड़ाम से गिर जाओ। सर ये क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन स्टार्ट कोडॉन के पहले है। ध्यान से सुनो, ये वाला और ये दोनों, टोटल 3 ऐसे कोडॉन हैं जो स्टार्ट कोडॉन के या तो एक पहले है या 2 बाद में, तो इनका कभी भी ट्रांसलेशन बच्चों नहीं होता। किसको किसको ये बातें समझ में आ गई, मी करके लिखो चैट में, जल्दी से चैट में लिखो सर मी। किसको किसको बातें समझ में आ गई, स्टार्ट कोडॉन के पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होता, जो भी ट्रांसलेशन होता है इसी के बीच में।
और एक स्टॉप कोडॉन और एक स्टार्ट कोडॉन होना ही चाहिए ट्रांसलेशन करवाने के लिए। बातें समझ गए? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो नाउ वी कैन कॉल इट व्हाट एज, क्योंकि ये ट्रांसलेट ही नहीं हुए तो हम इनको क्या बोलेंगे पता है? यूटीआर बोलेंगे इनको। बोलते हैं क्या? अनट्रांसलेटेड रीजन। दीज आर नोन एज व्हाट बच्चों? अनट्रांसलेटेड रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, बहुत सिंपल है ना। ये बातें किसको सुन के फील आ गई कि हाँ सर ये तो बड़ी अच्छी चीज बताई आपने, जल्दी से मुझे बताओ कितने बच्चों को चीजें समझ में आई कि ये हाँ ये कंसेप्ट अच्छा है। यूटीआर समझ में आया सारे बच्चों को? यस। और यूटीआर क्या होते हैं? चलो स्टार्ट समझो। इनिशिएशन हुआ, देखो ध्यान से, इनिशिएशन हुआ कि ये आकर जुड़ गए, कौन? लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, टीआरएनए, ये सब आके जुड़ गए और साथ में पॉलीपेप्टाइडेज एंजाइम, इनिशिएशन। फिर इलॉन्गेशन में क्या हुआ? नया टीआरएनए आकर जुड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। फिर एमाइनो एसिड आपस में ट्रांसलोकेट होते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जुड़ते जाते हैं, दिख रहा है ना? फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड, थर्ड, और टीआरएनए निकलकर टूटते जाते हैं, उसमें से अमाइनो एसिड जो है। टर्मिनेशन में जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, दिख रहा है तुमको यहां पर यूएए, यहां पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यहां पर, तो ऑटोमेटिकली रिलीज फैक्टर निकलेंगे और उसको तोड़ देंगे। दैट्स, यही होता है पंडा। ठीक है बच्चों, बातें समझ में आ रही हैं? आया ना? यस और नो? बिल्कुल, तो छोटी छोटी बातें हैं, एकदम दिमाग लगाकर ढंग से समझोगे सब समझ में। ठीक है, अब तुमको बढ़िया चीज बता, इतनी बातें कितने बच्चों को बेसिक तरीके से समझ में आ गई? क्योंकि आज मैं इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स भी करूंगा। तुम्हें पता है हम लोग रोज शाम को फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट भी कर रहे होते हैं, पता है ना सर? सबको पता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी पार्ट हम कर रहे होते हैं ना। अब एक आखिरी चीज, आखिरी के 5 मिनट में आपको सिखाता हूं, हम जीन एक्सप्रेशन को कब कब कंट्रोल कर सकते हैं। सुनना मेरी बात, जीन एक्सप्रेशन को कब कब कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम कर सकते हैं, करते हैं नहीं करते वो बात की, करते हैं नहीं करते हैं वो बात की बात है, बट हम इसको कब कंट्रोल कर रहे होते हैं, कंसेप्ट को ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। होता क्या है, ट्रांसलेशनल लेवल पर वी कैन कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? किसी भी डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट हुआ, और किसी भी आरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाना, फाइनली इट मींस दैट डीएनए, दैट जीन, पर्टिकुलर डीएनए जीन एक्सप्रेस्ड देमसेल्फ। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, वो जीन अपने आप को प्रॉपर एक्सप्रेस कर पा रही है, इसका मतलब ये होता है। समझ रहे हो मेरी बात? बेसिक फंडा है, बिल्कुल बेसिक तरीका है आपको याद। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में किस किस रास्ते पर, जैसे हमको चेक पोस्ट लगानी होती है ना, चेक पोस्ट, कि अगर कोई यहां से कोई सामान लेकर भागे तो हम उसको कहाँ कहाँ पकड़ सकते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ चेक पोस्ट आते हैं। तो वैसे ही डीएनए में कोई मॉडिफिकेशंस करनी है, कुछ भी ऐसी चीजें, एट हाउ मेनी प्लेसेस वी कैन ऑल्टर देम, चेंज देम। पहला तो जब वो पहली बार एचएनआरएनए बना रहा हो, वी कैन कॉल इट एज ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। जब पहली बार क्या बनाया बच्चों? एचएनआरएनए और एमआरएनए। बातें समझ पा रहे? बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान। अच्छा, सेकंड, जब वो एच एन आर एन ए है ना, एम आर एन ए में कन्वर्ट हो रहा हो, तब उसमें कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं क्या? तब उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बेसिक चीज है ना। नेक्स्ट, जब वो पर्टिकुलर, ध्यान से समझना,
एमआरएनए, ध्यान से, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए पहली बार न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा रहा हो तब हम उसको कर सकते हैं ड्यूरिंग एमआरएनए ट्रांसपोर्ट। बात समझ पा रहे, ड्यूरिंग एमआरएनए ट्रांसपोर्ट। और लास्ट में ट्रांसलेशनल लेवल पर बात करें तो जब पॉलीपेप्टाइड, जब वो पहली बार अमीनो एसिड्स बन रहा हो तब भी हम उसको चेंज करते हैं। देयर आर फोर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस वेयर वी कैन, लाइक क्या क्या करवा सकते हैं हम लोग उसको ऑल्टर। बात समझ गए। तो रही बात लैकोपेरॉन की, वी विल स्टडी दिस टुमारो प्रॉपर तरीके से। लैकोपेरॉन जीन एक्सप्रेशन, कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें समझनी होती हैं। कल इसमें से क्वेश्चंस कई बार नहीं भी बनते हैं, बट लोगों को टफ लगता है, हम इसको जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है, बट कई बार नहीं बनते, ऐसा नहीं हर बार आ रहा है क्वेश्चन, बट आता है तो हर चीज पढ़नी है हमें। नेक्स्ट क्लास में हम लैकोपेरॉन करने वाले हैं, फर्स्ट थिंग। सबसे छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट में हो जाएगा। कल आखिरी क्लास इस चैप्टर की होगी ना, इसी मंथ में हमने मॉलिकुलर खत्म कर दिया, फिर इवोल्यूशन और फिर उसके बाद फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा रहेगा एक टॉपिक। कल कल में ये दोनों तीनों चीजें आसानी से, तीन चीजें हैं छोटी छोटी सी हैं, पास एक घंटे। ठीक, लास्ट में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पार्ट है बच्चों, ये टेक्निकली बायोटेक का पार्ट है। तो बायोटेक के कुछ बेसिस जब तक नहीं समझोगे ना, तब तक पीसीआर क्या समझो तुम, ये बेसिक चीज है। उसके बारे में हम डिटेल्ड वर्जन हम बायोटेक वाले में कर लेंगे, टाइम मिला तो कल भी कर देंगे। बट वही है ना कि कुछ बेसिक्स हैं जो आपको वहां पर समझने हैं। अब सदर्न ब्लॉटिंग क्या है पहले तो ये समझो, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझो। यहाँ पर बहुत से टर्म्स हैं छोटे छोटे, तो मैं उसको बायोटेक में स्पेशली कवर करता हूँ, बायोटेक का टॉपिक ही है, तो वहां पर प्रॉपर इसको समझ। दैट्स इट, डन। चलो भाई, तो आज के लिए छुट्टी करते हैं। और ये फोन नंबर है, कोई हेल्प चाहिए, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है, कॉल और दिस नंबर। सब्सक्रिप्शन लेना है तो 31 तारीख यानी की बातें हो रही हैं, आखिरी दिन है, 20% ऑफ ले लें, और कॉम्बो ऑफर में 49% तक ऑफ ले लें। 80 सर कोड यूज करना, कौन सा कोड भाई याद कर लो, कोड तो रट जाना चाहिए, 80 सर, ठीक है। अभी बहुत अच्छे ऑफर्स, वीडियो लाइक कर देना, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, हार्डवर्क, कहीं भी कोई हेल्प चाहिए तो बताना। एंड यस, मैं अभी तुरंत क्लास शुरू करने वाला हूँ एक मिनट में, कौन सी जो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स की क्लास, उस क्लास में हर बच्चे को जरूर से जरूर आना है। फिल इन द ब्लैंक्स की क्लास में हम मॉलिकुलर ही अभी कर रहे हैं, अच्छी बात ये है। तो जो कुछ भी हमने इसमें पढ़ा है उसको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में वहाँ पर कर रहे हैं, ठीक। आज पहला लेक्चर है, इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, तुरंत आ जाओ और जरूर आ जाओ, ठीक है। बाय, और मिलते हैं इसी चैनल पर, फ्री क्लासेस एनसीईआरटी लेकर। सच में कुछ पढ़ा है तो बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है, थोड़ा सा बोरिंग क्लास होती है लोगों के कहने पर, बट जो अच्छे वाले बच्चे होते हैं ना पढ़ने वाले, उनको क्लास